यूं तो उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आई और गई हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि नोएडा में कदम रख सके। अब इसे सियासी नेताओं का अंधविश्वास कहें या फिर कुछ और, लेकिन सच तो यही है कि सियासी दिग्गज भी यहां आने से कतराते हैं। सीएम पद पर रहते हुए अखिलेश यादव ने पूरे 5 साल तक नोएडा में कदम नहीं रखा। वहीं मायावती भी इसी कश्मकश में रही कि कहीं नोएडा में कदम रखना उन्हें भारी ना पड़ जाए, क्योंकि राजनेताओं का मानना है कि जो भी नोएडा में आता है उसकी गद्दी चली जाती है। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी अंधविश्वास को तोड़ने का फैसला किया है, या फिर यूं कहें कि उन्होंने सियासी दिग्गजों के आंखों पर पड़े अंधविश्वास के पर्दे को हटाने की ठान ली है। योगी ने अब नोएडा में कदम रखने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन योगी बोटैनिकल गार्डन से कालका जी की तरफ चलने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी के साथ योगी भी मेट्रो के इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। फिलहाल सबकी दिलचस्पी इस बात में बनी हुई है कि नोएडा में कदम रखने के बाद क्या योगी की सरकार कहीं चली तो नहीं जाएगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।